जी हां, लोकसभा चुनाव की तपिश धीरे धीरे और भी बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र में चुनाव के पहले पार्टी बदलने की होड़ मची है। बदलते माहौल में पुराने साथी भी साथ छोड़ने में जरा नहीं हिचकिचा रहे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी इससे नहीं बच पाई। पार्टी के बड़े नेता की बेटी ने बीजेपी का दामन थामा और उसकी आंच पिता के सियासी कैरियर पर पड़ गई। बेटे की बगावत का नतीजा बाप को भुगतना पड़ा। बेटी ने पार्टी छोड़ी, पिता को छोड़ना पड़ा मंत्री पद। बेटी शामिल हुई बीजेपी में, एनसीपी में घटा पिता का कद। बेटी चुनाव के मैदान में, पिता मंत्रिमंडल से बाहर। बेटी की बगावत, बाप को सजा। ये है एनसीपी की नेता और महाराष्ट्र के पूर्व कैबिनेट मंत्री विजय कुमार गावित की बेटी हिना गावित। एमबीबीएस हिना गावित ने बीजेपी का दामन थामा और उनके पिता मंत्री से पूर्व मंत्री हो गए। हिना के पिता विजय गावित एनसीपी के कोटे से मंत्री थे। हिना को बीजेपी ने महाराष्ट्र के नंदुरबार से उम्मीदवार बनाया है। बेटी के बीजेपी में शामिल होने के कुछ घंटे बाद ही एनसीपी नेता और राज्य के मेडिकल शिक्षा मंत्री विजय कुमार गावित को मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। बुधवार की रात एनसीपी विधायक दल के नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को पत्र लिखकर गावित को मंत्रिमंडल से हटाने की सिफारिश की। इसके बाद मुख्यमंत्री चव्हाण ने गावित को मंत्रिमंडल से हटाने के लिए अपनी सिफारिश राज्यपाल के शंकर नारायण के पास भेज दी, जिसे राज्यपाल ने स्वीकार कर लिया है। पहले ही मिली थी चेतावनी, पार्टी ने दी थी चेतावनी। हिना के बगावत पर एनसीपी सख्त, विजय गावित को दिया जोर का झटका। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार हिना को बीजेपी का टिकट मिलने पर विजय कुमार गावित के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी पहले ही दे चुके थे। जैसे ही हिना ने बीजेपी के साथ मंच साझा किया और हिना की उम्मीदवारी घोषित हुई, एनसीपी ने इस मुद्दे पर बंद कमरे में चर्चा करके गावित को मंत्री पद से मुक्त करने का फैसला किया। लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे पहले से ही फिक्स मैच की तरह देखा जा रहा है। फिलहाल तो यही कहा जा सकता है कि बेटी की बगावत की सजा पिता को भुगतनी पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। तो एक तस्वीर तो ये हो गई कि बेटी ने बगावत की, पिता को सजा भुगतनी पड़ रही है। केवल ये सजा नहीं है, दरअसल इसके पीछे वो सियासत है जो महाराष्ट्र की राजनीति के मानचित्र को, महाराष्ट्र की राजनीति की तस्वीर को मौजूदा दौर में बताने के लिए काफी है। हमारे साथ इस खास चर्चा में मेहमान जुड़ेंगे, मुंबई से भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल स्टूडियो में मेरे साथ अवधेश कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश जी, आपका बहुत स्वागत है। मेरा पहला सवाल आपसे यही, ये तो एक सजा है कि पुत्री की सजा पिता को मिल गई, लेकिन इस सजा में सियासत कितनी ज्यादा आपको नजर आ रही है? क्योंकि इन दिनों जो कुछ महाराष्ट्र में हो रहा है वो केवल एक उलटफेर नहीं है महज, ये एक सियासी पेच है जो उलझता भी जा रहा है, सुलझता भी जा रहा है, सजा भी मिल रही है, पुरस्कार भी मिल रहा है। नहीं, इसमें मैं इसको किसी भी तरह से सजा स्वीकार नहीं करता हूं, क्योंकि स्वयं जाने की बजाय ऐसी स्थिति पैदा करना कि हमको पार्टी निकाल दे, ये एक रणनीतिक सफलता विजय गावित की मानी जानी चाहिए। वो कैसे पहले समझा रहा हूं, लेकिन इसको दूसरे में शुरुआत यहां से करें कि आम चुनाव की घोषणा होते ही देश भर में जो राजनीतिक उधम मचा है उसमें महाराष्ट्र में सबसे उसका भावना और व्यापक स्वरूप देखने को मिला है। ये पहली घटना नहीं है, मैंने शिवसेना के 5 उसके सांसद छोड़ के चले गए, जिसमें 3 एनसीपी में चले गए, 1 कांग्रेस में चले गए, 1 पता नहीं कहां जाएंगे, और जिले जिले में इस प्रकार से टूट हो रही है। लेकिन ये जो घटना है, देखिए, उनकी बेटी जो हिना गावित है वो लंबे समय से डॉक्टरी के साथ साथ सक्रिय है। वो खुद चाहती थी कि एनसीपी में उनको काम मिले, उनको कोई स्थान मिले और वो चुनाव लड़े, लेकिन जो पार्टी की आंतरिक रणनीति थी उसमें उसको मौका नहीं मिल रहा था, और न विजय गावित उसके कारण, उसकी महत्वाकांक्षाओं के कारण विजय गावित को पहले से संदेह की नजर से था, क्योंकि विजय गावित ने लगभग ये संकेत दे दिया था कि अगर मतलब हमारी बेटी को इस प्रकार से अवसर नहीं मिलता है तो मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा, लेकिन इन लोगों ने दिया नहीं है। तो अब स्थिति यह है कि जब राजनीतिक पार्टी इस समय सेवा की जगह चुनाव की मशीनरी बन गई है, उसमें किसी महत्वाकांक्षी परिवार और व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अवसर नहीं मिलेगा, और सामने अवसर है तो वो तो रास्ता बनाएगा ना जाने का। नहीं, रास्ता बनाएगा, लेकिन तो फिर पार्टी क्या सोच रही है? पार्टी की तो वो कद्दावर नेता है। नहीं, कैबिनेट पार्टी ने ही तो सुशोभित करवाया ना कैबिनेट मंत्री के पद पर,
और अचानक पार्टी ने यह भी भांप लिया कि इनके जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। मैं दरअसल उस नफा नुकसान को आपसे समझ रहा हूं। ऐसा है कि चुनाव आप इसको एक से एक बड़े नेता जगदंबिका पाल, आप समझिए कि 45 वर्ष से कांग्रेस में थे, अचानक जाना पड़ रहा है, तो लाभ हानि गिनते हुए भी पार्टियों के सामने यह परिस्थिति पैदा हो जाती है कि उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। विजय गावित ने जो स्थिति पैदा कर दी थी, क्योंकि उनकी विधायकी तभी बची रह सकती थी जबकि वो पार्टी उनको बाहर करे, नहीं तो विधायकी जाती। अब आगे वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ेंगे आराम से विधायक का। और मतलब आप ये कह रहे हैं कि विजय गावित भी उनका भी रास्ता तय, पहले से सब तय है। चलिए मैं समझ लेता हूं, सीधे एनसीपी की प्रतिक्रिया लेंगे। अब देश जी मुंबई का रुख कर रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं अतुल लांडे जी जो प्रवक्ता है एनसीपी के। अतुल जी बहुत स्वागत है खास चर्चा में आपका। अतुल जी क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? विजय गावित जी जैसे आपके पुराने साथी, पुराने विश्वसनीय कैबिनेट मंत्री जैसे कद्दावर नेता आपकी पार्टी के, उनकी पुत्री अगर ज्वाइन कर लेती हैं बीजेपी तो आप भी अचानक जागते हैं, उनको भी आप बाहर का रास्ता दिखा देते हैं? ऐसा नहीं है, आपने अगर पिछले कुछ घटनाक्रमों को देखा होगा तो हमको ये पहले से पता चल गया था। और ये एक षड्यंत्र के तौर पे ये सारी बातें चल रही थी पिता पुत्री में, पिता के इशारों पे ही पुत्री गई है। कई मायनों में आप देख सकते हैं, ऐसे कई उदाहरण हम ले सकते हैं कि जहां पर ऐसा देखा गया है कि पिता अलग पार्टी में है, पुत्री अलग पार्टी में या लड़का अलग पार्टी में है। लेकिन ये एक षड्यंत्र के तहत 2-3 महीने से चल रहा था जिसकी जानकारी पार्टी को थी और पार्टी ने वैसा उनको उस बारे में समझाया भी था कि अगर ऐसा होता है तो पार्टी कड़ी से कड़ी एक्शन लेगी, और ऐसा होते वक्त पार्टी ने एक्शन ली। पार्टी को इस बात को भी तो स्वीकारिए कि पार्टी टूट रही है। अब आप कहें गावित जी चले जाएंगे, फिर आप मानेंगे कि वो भी चले ही जाएंगे बीजेपी में? और चलिए गावित जी की बात के अलावा मैं कर लूं, कपिल पाटिल की भिवंडी की टिकट फाइनल, कपिल पाटिल आपके नेता फोन इकड़े है तो इकड़े सांगता है। अतुल जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए अवधेश जी का रुख कर लेते हैं। अवधेश जी आपने सुना जो बात आप कह रहे थे शुरुआती तौर पर, जो बात हम कर रहे हैं, पार्टी भी मतलब मानस पे अपना मानस बना चुकी थी कि इनको जाना है जाने दीजिए, पिताजी भी चले जाएंगे, वो सब उनको इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ा सवाल ये कि पार्टी इस चीज को समझ रही है कि इस दौरान पार्टी से टूट के मायने भी कुछ हैं, एनसीपी से जो टूट हो रही है। मैंने दूसरा नाम जो लिया अवधेश जी वो कपिल पाटिल हैं, जो एनसीपी के कद्दावर नेता जो भिवंडी से संभावित तौर पर बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है कि वो क्षेत्र जो है आप जानते हैं कि वो बिल्कुल रिजर्व क्षेत्र है और वहां से 9 बार जो है से सांसद जो है लगातार कांग्रेस से हैं, जो तीन बार से वो जीत रहे हैं, जिन पर एक विवाद भी हुआ था। अब उस क्षेत्र में एक प्रभावी उसी परिवार का एक आदिवासी धरा अगर निकल करके विद्रोह करता है तो इसकी क्षति तत्काल लोकसभा चुनाव में तो होनी ही होनी है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप समझिए भाजपा ने इतना कम से कम राज ठाकरे को इसके लिए राजी कर लिया है, कम से कम कुछ क्षेत्रों में भाजपा के विरुद्ध उम्मीदवार खड़े ना करें। तो भाजपा कई तरह से अपनी रणनीति बना रही है, एक तो नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो है वातावरण अच्छा थोड़ा कम या ज्यादा जो भी है देश में है वो महाराष्ट्र में है। दूसरा यह है कि भाजपा की पहले पिछली बार भी जो चुनाव हुई थी तो मुख्य टक्कर में वहां थी ही बीजेपी, ऐसा नहीं था कि टक्कर में नहीं थी। अब ये वोट जोड़ने से आप समझिए कि वो सीट कांग्रेस की खतरे में पड़ गई है, लेकिन चूंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गठबंधन कांग्रेस है, कांग्रेस और एनसीपी का प्यार राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की वहां एक रणनीति भी रही है कि कांग्रेस हमसे ज्यादा आगे ना निकले। ये गठबंधन आप एकदम से ऐसा मत समझिए कि कोई लैला मजनू की मोहब्बत वाले गठबंधन होते हैं, हो जाता है त्रिफुल जी आ जाते हैं। राजनीति का गठबंधन जो है वो बिल्कुल एक सत्ता और स्वार्थ का गठबंधन है उसमें। चलिए मैं अतुल जी का रुख कर लेता हूं, एनसीपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी क्या आप मानेंगे इनके जाने से आपकी पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता? दूसरी चीज लगातार क्या ये स्थिति नहीं है कि पार्टी में ये फूट की तरफ इशारा है, क्योंकि कपिल पाटिल भी पार्टी छोड़ने की बात है कपिल पाटिल के? क्रमों का अगर आप जायजा लोगे, आप अगर ध्यान से उस बातों को समझ पाओगे तो आपके ध्यान में आएगा कि एनसीपी में काफी बड़े पैमाने पे बड़े बड़े नेता जुड़े हुए, एनसीपी काफी स्ट्रॉन्ग एक फोर्स करके महाराष्ट्र में आगे आई है। और आपको दूसरी बात बता दूं मैं कि वहां पर माणिकराव गावित जी जो है वो पक्का चुनकर आएंगे, बीजेपी की ऐसी कोई वहां पर धरा बची हुई नहीं है। आप गावित जी का जो है उन्होंने अपोज किया था,
अभी उनकी बेटी वहां आते बराबर उनके लिए गावित जी जो है वो बहुत अच्छे बन गए हैं, वहां के लोगों को मालूम है, आपने देखा होगा मानिकराव गावित जी जो है वो पिछले बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन चलिए आपको आपको भी मालूम था, अवधेश जी का रुख मैं एक बार फिर से करूंगा। अवधेश जी, पार्टी का मतलब जो स्थिति है, जो स्टैंड है, आप समझ रहे हैं उस बात को, स्थिति को जो आप शुरुआती तौर पर कह रहे थे, पार्टी को सब कुछ मालूम था, लेकिन क्या पार्टी उस स्थिति को समझ रही है कि और भी कई चेहरे हैं इनके जो टूट फूट की तरफ बढ़ रहे हैं आगे? ये तो स्वाभाविक है, आप देख लीजिए कि जो देश भर में इस समय अगर गहराई से पूरे देश पर नजर दौड़ाई, केवल महाराष्ट्र नहीं तो उड़ीसा में, उड़ीसा को छोड़ के किसी एक पार्टी से सबसे कम लोग गए हैं तो वो बीजेपी है, बाकी लगभग सारी पार्टियों से, उड़ीसा में तो कांग्रेस के विधायक दल तक चले गए हैं और बाकी सारी पार्टियों में है। तो जिस प्रकार से शिवसेना को एनसीपी ने एक प्रकार से तोड़ा है या शिवसेना टूट के गई है, तो शिवसेना के लोग भी लगे हुए हैं, बीजेपी के लोग भी लगे हुए हैं कि हमको धक्का पहुंचा रहे हैं, तो तू डाल डाल हम पार्ट पार्ट की स्थिति है। टिकट जैसे ही फाइनल होगा, अगर यह पता चल जाएगा कि हमको टिकट नहीं मिल रहा है, उसके बाद आप देखेंगे कि विद्रोह और चरम पर पहुंच सकता है, क्योंकि शिवसेना में देखिए एक साथ कई विचारधारा के लोग हैं, यह भी समझना पड़ेगा। शिवसेना कहते एनसीपी, एनसीपी जब बनी थी तो केवल यह नहीं था कि कांग्रेस से टूट के लोग आए थे, उसमें शिवसेना के लोग भी आए थे, उसमें बीजेपी के लोग भी आए थे, तो वो कई विचारधाराओं की पार्टी है और वो मानी जाती है कि महाराष्ट्र की दृष्टि से कांग्रेस की सेकुलर और बाकी जो महाराष्ट्र की हिंदुत्व परंपरा है उन दोनों के बीच के संतुलन बनाने वाली एक पार्टी है, तो उसमें वैचारिक रूप से जहां थोड़ा असंतुलन होगा कि वो पार्टी टूटेगी, वो समस्या है वहां। ये हमेशा समझना चाहिए कि इसका केवल राजनीतिक नहीं, इसका एक वैचारिक मतलब आइडियोलॉजिकल जो है वो भी कनोटेशन है इसका। तो लेकिन इस नुकसान की भरपाई का गणित भी पार्टी साथ में लेकर चल रही है, जैसे पार्टी इस चुनावी दौर में राहुल नार्वेकर को शामिल कर लेती है शिवसेना से, टिकट की बात भी आ जाती है, यहां गावित जी चले जाते हैं, सब कुछ चल रहा है बाकायदा बैलेंस होकर। नहीं, इसको बैलेंस हम नहीं कहते हैं। देखिए ऐसा है कि महाराष्ट्र में अगर जो भी हम लोगों ने जो सर्वे देखा है और जो भी वहां गया है उसको इस समय के जमीनी एहसास है कि वहां कांग्रेस और एनसीपी का बहुत स्ट्रांग पोजीशन इस लोकसभा चुनाव में नहीं दिख रहा है। परिणाम की हम घोषणा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्थिति है नहीं दिख रहा है। तो एक तो वो है असर, दूसरा यह है कि उसका एक आइडियोलॉजिकली, तीसरा यह है कि पार्टी में यह माना जा रहा है कि नेतृत्व के लेवल पर एक परिवार और एकाध नेताओं के अलावा किसी की भी कोई लगभग हैसियत नहीं है एनसीपी में, तो जैसे ही उसको दूसरी जगह अपने स्वार्थ, अपनी थोड़ी हैसियत होने की पूर्ति होगी, वो जाना चाहेगा ही चाहेगा। इसलिए मैं ये मानने के लिए अभी तैयार नहीं हूं कि शिवसेना से इतने लोग आ गए हैं तो एनसीपी ऐसी स्ट्रांग हो गई है कि वो टूटेगी नहीं। अतुल जी का रुख कर लेता हूं, जुड़ गए अतुल जी, एनसीपी प्रवक्ता है मेरे साथ। अतुल जी, क्या ऐसी स्थिति वाकई में पार्टी में है? चलिए आप कह रहे हैं कि गावित जी बहुत समय से लगे हुए थे, वो आप देख रहे थे, लेकिन ना आपको भी अचानक याद आया, अगर आपको बहुत समय से पता था तो आप पहले ही एक्शन ले लेते। दूसरी बात, पार्टी में क्या इस बात की संभावना नहीं रहती है एक परिवार के अलावा कि अगर मान लीजिए गावित जी चाह रहे थे कि उनकी बेटी उस क्षेत्र में काम कर सकती तो उसको मौका मिले? नहीं, आप एक बात समझ लीजिए, मैं अवधेश कुमार जी को कुछ बातें बताना चाहता हूं कि हमारे पार्टी में किसी एक फैमिली का विवाद नहीं है। अगर आप देखेंगे 99 में जब पार्टी का गठन हुआ था, उसके बाद में आरआर पाटिल होंगे या फिर पद्मसिंह मोहिते पाटिल होंगे या फिर छगन भुजबल जी होंगे, ऐसे बड़े बड़े गद्दावर नेता इस पार्टी में है और उन्होंने इस पार्टी को अच्छे से नेतृत्व दिया है। आप अगर महाराष्ट्र का कोई भी क्षेत्र लेंगे तो आपको मैं नाम गिना सकता हूं कि जिस जनतंत्र, जिस लोकतंत्र के आधार पर यह पार्टी चलती है, ये एनसीपी ने ही यहां महाराष्ट्र में दिखाया। नंबर दूसरा मुद्दा मेरा यह है कि हमारी पार्टी किसी सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म के बीच में संतुलन नहीं रखती है। हमारी पार्टी पूरी तरह धर्मनिरपेक्षता और इंक्लूसिव ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, ये तीन चीजें बताती है कि हमारी पार्टी संतुलन रखती है। हमारी पार्टी के सिद्धांत विचारधारा से सवाल ये है कि आपने जो एक्शन लिया अभी और आप कह रहे हैं हमें बहुत पहले से पता था कि हम गावित जी को महसूस कर रहे थे, देख रहे थे उनकी गतिविधि, तो आप एक्शन अब ले रहे हैं, आपका एक अपना समीकरण है, आपका एक अपना गणित है, खासतौर से उस सीट को लेकर जहां हिना गावित लड़ रही है, इन तमाम चीजों को जानेंगे। यहां वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं।